इस वीडियो में फायरवेस के ऑथेंटिकेशन फीचर को सीखने वाले हैं ये फायरवेस ऑथेंटिकेशन का डॉक्स है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके हेल्प से ऑथेंटिकेशन को सीखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन सीखने के लिए प्रोजेक्ट से सीखेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा इसमें न्यू यूजर साइन अप करेगा ई और पासवर्ड से देन लॉग इन करेगा ई और पासवर्ड साइन अप पेज का डेटा फायरवेस के ऑथेंटिकेशन फीचर में स्टोर होगा देन यूज़र लॉगिंग करेगा वही ईमेल और पासवर्ड से देन ये डेटा फायरवेज के ऑथेंटिकेशन से मैच करेगा तो आपका होम पेज दिखेगा अदरवाइज नहीं दिखेगा यूज़र लॉग आउट करेगा तो लॉगिंग पेज पे आएगा और ये डेटा ए से फेच करेंगे तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं मेन ये है कि यहाँ पे फायरवेज के ऑथेंटिकेशन को सीखने वाले हैं साइन अप पेज और लॉगिंग पेज बना के फर्स्ट स्टेप में एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वीट के हेल्प से तो पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं Auth और इसे ओपन करते हैं वी एस कोड में टर्मिनल को ओपन करेंगे और ये इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट नेम वीट प्रोजेक्ट रहेगा और यहाँ से फ्रेमवर्क यूज करेंगे रिएक्ट और वेरिएंट जावास्क्रिप्ट ये हो गया देन वीट प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो फाइल पे जाएंगे यहाँ से इसे ओपन कर देंगे ये वीट प्रोजेक्ट ओपन हो गया टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे टेलविंड सी इंस्टॉल करेंगे स्टाइलिंग के लिए तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे देन सेकेंड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये टेलविन इंस्टॉल हो गया यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे टेलविन इंस्टॉल हो गया सेकेंड स्टेप में टेलविन डॉट कॉन्फिक डॉट जे फाइल में इसे पेस्ट करना होगा तो कॉपी करेंगे और टेलविन डॉट कॉन्फिक डॉट जे एस फाइल में इसे पेस्ट कर देंगे थर्ड स्टेप है एस आर सी फोल्डर में जाना है और इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल में इसे पेस्ट कर देंगे तो कॉपी करेंगे एस आर सी में जाएंगे और इंडेक्स डॉट सी एस एस है इसे क्लीन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एप डॉट सी एस एस है इसे भी क्लीन करेंगे और एप डॉट जे एस एक्स में इसको क्लीन करके और आर एफ सी कर देंगे then पी एम रन करेंगे तो यहाँ से एन पी एम रन करते हैं और इस लिंक को फॉलो करेंगे तो ये ब्राउजर पे ये दिख रहा है फोर्थ स्टेप में आपको कॉम्पोनेंट्स क्रिएट करना है और कॉम्पोनेंट्स के अंदर नेब्बार डॉट जे एस एक्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स को क्रिएट करते हैं और इसके अंदर नेबार को क्रिएट करेंगे नेब्बर डॉट जे एस एक्स और ये हो गया यहाँ पे पेज को क्रिएट करेंगे पेजेस फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर होम डॉट जे होगा एक रजिस्ट्रेशन फोल्डर में लॉगिंग पेज और साइन अप पेज रहेगा तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसको आर एफ सी करते हैं और पेज को क्रिएट करते हैं और इसके अंदर होम पेज रहेगा होम पेज डॉट जे और आर एफ सी कर देंगे और एक रजिस्ट्रेशन का रहेगा और इसमें लॉगिंग पेज रहेगा और एक साइनअप पेज रहेगा और यहाँ पे आर कर देंगे तो ये होगी यहाँ पे राउट्स को क्रिएट करेंगे होम पेज के लिए लॉगिंग पेज के लिए और साइनअप पेज के लिए तो यहाँ पे React राउटर DOM को कॉपी करेंगे तो React राउटर DOM को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे एप डॉट में इसे पेस्ट करेंगे React राउटर DOM से ये राउटर लेंगे और राउट लेंगे और राउट्स लेंगे तो इसको कॉपी करते हैं और एप डॉट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे राउट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे पहले राउटर लेंगे और राउट्स लेंगे और राउट्स के अंदर राउट लेंगे और राउट के अंदर एक पाथ देंगे स्लैश देंगे और इसमें एक एलिमेंट देंगे एलिमेंट के अंदर होम पेज देंगे और ये होगा तो इस पाथ पे स्लैश पाथ पे ये एलिमेंट दिखेगा मतलब होम पेज दिखेगा तो स्लैश जब करेंगे तो आपका होम पेज दिखेगा यहाँ पे आर एफ सी कर लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं और लॉगिंग साइन अप का भी राउट बनाते हैं यहाँ पे लॉगिंग पेज देंगे इसका पाथ लॉगिंग कर देंगे और एक साइनअप का बनाएंगे ये साइन अप का हो गया और यहाँ पे साइन अप लगाएंगे स्लैश साइन अप साइन अप पेज दिखेगा स्लैश लॉगिंग पे लॉगिंग पेज दिखेगा और स्लैश पे होम पेज दिखेगा एक फायरबेस का फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर फायर वेस डॉट जे एस एक्स क्रिएट करेंगे एस आर सी में जाएंगे और फायर का फोल्डर क्रिएट करेंगे Firebase के अंदर फायर वेस फाइल बनाएंगे फायर बेस डॉट जे एस एक्स ये हो गया और फायरबेस का सेटअप करेंगे तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फायरवेस डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाएंगे और यहाँ से गेट स्टार्ट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देते हैं और कंटिन्यू करेंगे इसको डिसेबल करेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया तो यहाँ पे वेव वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं जैसे मैं ऑथ ही देता हूँ और ऑल्सो सेटअप फायरबेस पर आपको होस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं बट फायरबेस होस्टिंग का यूज नहीं करेंगे रजिस्टर ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फायर को इंस्टॉल करेंगे तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे देन इसको कॉपी करेंगे और कंटिन्यू टू द कंसोल कर देंगे ये फायर बेस कन्फिक डॉट जे फाइल में इसे पेस्ट कर देंगे ये हो गया और इन सब को डिलीट करेंगे अब इसमें जो भी इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करेंगे और फायरवेस के ऑथेंटिकेशन फीचर का यूज करना है तो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे फायरवेस तीन तरह का प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है एक नेटिव प्रोवाइडर और एडिशनल प्रोवाइडर्स और कस्टम प्रोवाइडर्स तो यहाँ पे नेटिव प्रोवाइडर्स में ईमेल और पासवर्ड से कर सकते हैं फ़ोन से कर सकते हैं और एडिशनल प्रोवाइडर में गूगल फेसबुक गेटअप जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है इन सब से यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कस्टम प्रोवाइडर ये लॉक रहता है इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड से सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में गूगल फेसबुक इन सब का भी यूज करेंगे तो पहले ईमेल और पासवर्ड से करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे इनेबल करेंगे और सेव करेंगे तो इनेबल हो गया जो भी यूजर यहाँ पे साइन अप करेगा उसका डेटा यहाँ पे दिखेगा कॉन्फ़िगर कोड में क्या करेंगे पहले यहाँ पे फायरवेस के ऑथ से गेट ऑथ को लेंगे क्योंकि ऑथेंटिकेशन फीचर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे गेट ऑथ को लेंगे गेट ऑथ के अंदर ऐप को लेंगे और इसको इस ऑथ वेरिएबल में स्टोर करेंगे यहाँ पे पहले इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फायरबेस ऑथ तो यहाँ पे गेट ऑथ का यूज करेंगे गेट ऑथ ये हो गया और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे ऑथ और उसके अंदर गेट ऑथ को स्टोर करेंगे और आगे उसे यूज करेंगे तो कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ इसके अंदर ऐप को दे देंगे अब आप आसानी से गेट ऑथ को यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे ताकि दूसरे फाइल में यूज कर सके टेस्ट स्टेप में होम डॉट जेस में नेबर को इंपोर्ट करेंगे तो होम डॉट जेस में जाते हैं और यहाँ पे नैब बार को यहाँ पे नैब बार को यूज़ करते हैं नैब बार टॉप पे इम्पोर्ट हो गया और तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा तो अपने ब्राउज़र पे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे नैब बार नाइन्थ स्टेप ये है कि आपको एक नेब बार क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सा नेब बार है तो इसे कॉपी कर लेते हैं और नैबार डॉर्च में इसे पेस्ट कर देंगे तो इसको क्लीन करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे देखिए नेबार ये दिख रहा है टेंथ स्टेप में एक लॉगिंग फॉर्म को क्रिएट करना है तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा लॉगिंग पे क्लिक करेंगे तो ये दिख रहा है ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है ये बहुत ही इजीली इसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे लिंक लगाया गया है ताकि साइनअप पेज पे जाए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइनअप पे जाएगा इलेवेंथ स्टेप में अप फॉर्म को क्रिएट करेंगे तो इसको कॉपी करते हैं और साइन अप पेज पे इसे पेस्ट करेंगे तो इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है यहाँ पे एक मेन डिव लिया गया है देन एक सेकेंड डिव लिया गया है और यहाँ पे एक एच वन लिया गया है ये एच वन है दो इनपुट लिया गया है यहाँ पे एक इनपुट है और ये दूसरा इनपुट है और ये बटन है तो यहाँ पे बटन लिया गया है और इसको सेंटर करने के लिए मेन डिव को फ्लैक्स और जस्टिफाई सेंटर किया गया है और आइटम को सेंटर किया गया है और एक एच स्क्रीन लिया गया है ये फुल स्क्रीन में ये सेंटर में सेंटर हो जाए इस तरह से यूज़ किया गया है और यहाँ पे बैकग्राउंड लिया गया है यहाँ पे जो राउंड दिख रहा है उसके लिए यहाँ पे राउंडेड एक्सल लिया गया है आप इजीली इसे क्रिएट कर सकते हैं और लास्ट में एक एच लिया गया है इसमें डोंट हैव एन अकाउंट लिखा गया है और एक लिंक लगाया गया है कि लॉगिंग पेज पे यहाँ पे लिंक लगाया गया है ताकि लॉगिंग पेज पे चला जाए यहाँ पे लॉगिंग पे क्लिक करेंगे तो लॉगिंग पेज आ जाएगा और साइन अप पे करेंगे तो साइन अप पेज का आ जाए ट्वेल्थ स्टेप में अप पेज पे दो यूज स्टेट लेंगे एक ईमेल और एक पासवर्ड का और एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे क्रिएटेड यूजर विथ ईमेल और पासवर्ड मेथड का यूज करेंगे ये फायरवेस प्रोवाइड करता है और अपने यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे तो सबसे पहले साइनअप पेज पे चलते हैं तो ये साइनअप पेज है और यहाँ पे दो यूज स्टेट बनाएंगे ईमेल और इसे कैमल केस करेंगे और यूज स्टेट को डिफाइन करेंगे तो ये टॉप पे इंपोर्ट हो गया और एक यूज स्टेट पासवर्ड का बनाएंगे और ये सेट पासवर्ड ये दो यूज स्टेट बन गए और एक फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट अप इक्वल टू तो ये फंक्शन बन गए फंक्शन को एसिंग करेंगे ताकि मेरा जो भी फंक्शन है वो सीक्वेंस वाइज चले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट करेंगे यहाँ पे मेथड का यूज करेंगे क्रिएट यूजर ईमेल यहाँ पे क्रिएट यूजर विथ ई मेल एंड पासवर्ड ये फायरवेस ऑथ से इम्पोर्ट हो गया इसके अंदर थ्री डेटा लेगा ऑथ ईमेल और एक पासवर्ड इसी सीक्वेंस में रहेगा ऑथ ईमेल और पासवर्ड ये जब हो गया तो यहाँ पे अलर्ट एक लगा देंगे और इसमें लिखेंगे साइन अप सक्सेसफुल ये हो जाएगा इसे ट्राई कैच में दे देते हैं कॉपी करेंगे और एक ट्राई कैच लेंगे जो भी यूजर क्रिएट होगा ये ट्राई में होगा और क्रिएट करते समय कोई एरर आएगा वो यहाँ पे एरर दिखेगा इसीलिए ट्राई कैच लगाए तो सी करेंगे और यहाँ पे एरर दे देंगे तो जब भी आप यूजर को क्रिएट कर रहे हैं तो ये ट्राई में जाएगा और यूज़र को क्रिएट करते समय कोई भी एरर आएगा वो कैच में जाएगा तो ये कंसोल पे एरर दिखेगा इनपुट में ऑन चेंज इवेंट को लगाएंगे तो यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले वैल्यू देंगे तो वैल्यू ईमेल होगा तो यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लिक नहीं हो रहा है ऑन चेंज इवेंट का यूज करेंगे जो प्रीवियस डेटा है वो चेंज होते रहे यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे और एक इवेंट लेंगे और फैट एरो यहाँ पे सेट ईमेल लेंगे इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये हो गया ऑन चेंज लगाने से जो भी आपका वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा जैसे यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो ये तो ये चेंज होते रह रहा है ठीक है तो इस तरह से इसे यूज करेंगे सेम ऐसे ही पासवर्ड में भी यूज करेंगे तो वैल्यू के अंदर पासवर्ड देंगे ऑन चेंज लगाएंगे और ऐसे यहाँ पे सेट पासवर्ड देंगे और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये हो गया अब ये भी अच्छे से वर्क करेगा ऑन क्लिक इवेंट का यूज करेंगे इस बटन पे क्लिक करें तो यूजर क्रिएट हो जाए बटन के अंदर ऑन क्लिक लगाएंगे यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देंगे साइन अप ये जो फंक्शन है उसे कॉल कर दिया अब यहाँ पे यूजर को क्रिएट करते हैं तो कंसोल ओपन कर लेते हैं कोई भी एरर आएगा वो दिखेगा और यहाँ पे क्रिएट करते हैं जैसे ईमेल मैं देता हूं और यहां पे पासवर्ड देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और साइनअप करेंगे एक एरर आया ऑथ इज़ नॉट डिफाइंड ऑथ को यहां पे इंपोर्ट करेंगे जो फायर बेस कन्फिक डॉट जे फाइल में एक्सपोर्ट किए थे तो यहां पे इसे इंपोर्ट करते हैं अब ये अच्छे से वर्क करेगा तो यहाँ पर ईमेल देते हैं और पासवर्ड देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और साइन अप करेंगे तो साइन अप सक्सेसफुल ये डेटा देखना है इस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डेटा यहाँ पे आ गया यहाँ पे इनपुट पे डेटा दिख रहा है जब ये साइनअप हो गया तो डेटा को क्लीन हो जाना चाहिए तो क्लीन करने के लिए यहाँ पे सेट ईमेल को खाली कर देंगे यहाँ पे सेट पासवर्ड को भी खाली कर दें कुछ इस तरीके से तो अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये डेटा क्लीन हो जाएगा जैसे यहाँ पे टेस्ट यूज़र लेते हैं और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेते हैं और साइनअप करते हैं तो साइन अप सक्सेसफुल और यहाँ पे ओके okay क्लिक करेंगे तो ये डेटा खाली गया यहाँ पर वैलिडेशन लगाएंगे इस पर क्लिक करें तो ई और पासवर्ड देना रिक्वायर रहेगा उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ यहाँ पे ईमेल खाली होगा और पासवर्ड भी खाली होगा तो यहाँ पे रिटर्न कर दो एक अलर्ट रिटर्न कर दो यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट आएगा प्लीज़ फ़िल ऑल फील्ड्स यहाँ पे पासवर्ड देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और साइन अप करेंगे तो साइन अप सक्सेसफुल होगा तो यहाँ वैलिडेशन भी लगा दिए कि ईमेल और पासवर्ड खाली रहेगा तो आपको एक अलर्ट आएगा और यहाँ पे ये डेटा रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तीनों ईमेल आ गए आपको एक लॉगिंग पेज पे सेम वैसे ही क्रिएट करना है जैसे आप साइनअप पेज पे क्रिएट किए बस मेथड चेंज रहेगा साइन इन विथ ई और पासवर्ड वहाँ पर क्या था क्रिएट करना था यहाँ पे साइन इन करना है तो सेम वैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कॉपी करते हैं इसे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक ये हो गया और यूज स्टेट को इंपोर्ट कर देंगे और क्रिएटेड यूजर ये वाला था इसको हटा के यहाँ पे साइन इन साइन इन विथ ये साइन इन विथ ई और पासवर्ड को इम्पोर्ट करेंगे और इसके अंदर भी वही लेगा और ईमेल और पासवर्ड सेम ऑथ को यहाँ पे फायरबेस कन्फिक डॉट जे फाइल से इंपोर्ट किए हैं सेम वैसे ही होगा और यहाँ पे साइन इन कर देंगे साइन इन सक्सेसफुल और सेट ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे खाली कर देंगे जब यूजर क्रिएट हो जाएगा तो और यहाँ पे फंक्शन का नाम साइन इन दे देते हैं सेम वैसे ही है और यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिए हैं कि ईमेल और पासवर्ड खाली रहेगा तो ये अलर्ट दिखा दो और जब क्रिएट हो जाएगा तो ये अलर्ट दिखा दो इनपुट में वैल्यू देते हैं वैल्यू ईमेल और ऑन चेंज लगाएंगे सेट ईमेल और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और पासवर्ड में भी वैल्यू देते हैं वैल्यू पासवर्ड और ऑन चेंज लगाएंगे ये हो गया जब साइन इन फंक्शन को कॉल करेंगे और लॉग इन करेंगे होम पेज को दिखाने के लिए यहाँ पे नेविगेट का यूज करेंगे जो रियक राउटर और डोम से आता है तो यहाँ पे उसे यूज करेंगे तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट का यूज करेंगे और ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया रिय राउटर डोम से अब इसे यूज कर सकते हैं साइन इन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद से नेविगेट कर दो हमें होम पेज पे तो ये होम पेज पे नेविगेट कर देगा और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे इस बटन पे ऑन क्लिक और साइन इन ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल होगा अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं इसी ईमेल और पासवर्ड से तो यहाँ पे देते हैं और पासवर्ड देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लॉगिंग करेंगे तो साइन इन सक्सेसफुल लॉगिंग करने पे होम पेज दिखेगा तो यहाँ पे होम पेज दिख रहा है यहाँ पे अब लोकल स्टोरेज को यूज करेंगे यूजर को लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे और यहाँ पे यूजर के साथ कुछ कंडीशन लगाएंगे जब यूजर आ गया तो लॉगिंग और साइन अप को हटा के यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इसे क्रिएट करना है और प्रोटेक्टेड uh, राउट्स भी बनाएंगे लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन यूजर को आइडेंटिफाई करेंगे यूजर के डेटा से तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज करते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट ूज़र्स इक्वल टू लोकल इस्टोरेज यहाँ पर सेट करेंगे डॉट सेट आइटम और यहाँ पर लोकल इस्टोरेज का नाम देंगे यूज़र और यहाँ पर एक जे एस एन एश्रिंगिफाई लेंगे जे एस एन डॉट इस्टरिंगफाई और इसके अंदर ये यूज़र को यहाँ पर दे देंगे ये हो गया यहाँ पे जेसन एस स्ट्रिंग लगाएंगे ताकि यूज़र का डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए आगे जब भी लोकल स्टोरेज से यूज़र को लेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट कर रहे हैं और यहाँ पे लोकल स्टोरेज का नाम देंगे जिससे एक्सेस करेंगे और यहाँ पे जे एस एन स्ट्रिंग किए जो भी ये यूजर का डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए तो लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग में डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो ये हो गया अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं पासवर्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और लॉग करेंगे तो साइन इन सक्सेसफुल ये दिखने लगा और वो तो लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर हुआ है तो यहाँ पे जाएंगे और एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे ये आपका लोकल स्टोरेज है तो ये देखिए यूज़र का डेटा यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देख सकते यूज़र में यहाँ पे ईमेल आ गया ये डेटा यहाँ पे हो गया होर्टीन स्टेप में क्या करेंगे जब लॉग इन करता है तो उसको लॉग आउट दिखाएंगे ताकि उसे लॉग आउट कर सके कुछ इस तरीके से करेंगे गेट यूज़र from लोकल स्टोरेज तो नेबार पे जाएंगे और यहाँ पे यूज़र को लेंगे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू लोकल इस्टोरेज डॉट गेट आइटम यहाँ पे लोकल स्टोरेज का नेम देंगे यूज़र जो यहाँ पे पास किए थे ये ये नेम तो यहाँ पे नेम दे देते हैं तो ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है इसे क्या करेंगे जेसन डॉट पार्ट्स करेंगे ताकि वो स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जे एस एन डॉट पार्ट्स लगाएंगे और इसके अंदर इसको दे देंगे तो ये जो भी डेटा है ऑब्जेक्ट में आएगा तो यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है अब इसे यूज कर सकते हैं तो इसको हटा देते हैं यहाँ लॉग लॉगआउट को लगाएँ तो करली ब्रेकेट लेंगे और यहाँ पे जब यूज़र आ गया तो बस यहाँ लॉग लॉगआउट को दिखाना है यहाँ पे लॉग आउट लगा दें जब भी लॉगआउट पे क्लिक करें तो वो लॉगिंग पेज पे भेज दे तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे कौस्ट लॉग आउट इक्वल टू आ, और यहाँ पे लोकल स्टोरेज को खाली कर देंगे तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज लेंगे डॉट क्लियर क्लियर किसको करना है हमें यूज़र को तो यहाँ पे जो नेम सेट किए हैं वो यहाँ पे देंगे और लॉगआउट को कॉल करेंगे तो और लॉग आउट को यहाँ पे कॉल कर देंगे तो ऑन क्लिक लगाएंगे और लॉग आउट ये हो गया जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा स्टोर था वो क्लीन हो जाएगा तो ये डेटा है और यहाँ पे लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा क्लीन हो जाएगा और जब क्लीन होगा तो इसको क्या करो लॉगिंग पेज पे भेज दो उसके लिए नेविगेट का यूज करेंगे रियक राउटर डॉम से तो कौस्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट करेंगे ये रियक्राउट और डोम से इंपोर्ट हो गया यहाँ पे और इसे यूज करेंगे नेविगेट और नेविगेट के अंदर पाथ दे देंगे लॉगिंग ये आउट को यहाँ पे कॉल कर देंगे ऑन क्लिक लॉग आउट ये हो जाएगा और जब ये आउट पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा भी क्लियर हो जाएगा और लॉगिंग पेज पे भेज देगा तो यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो देखिए तो ये देखिए लॉगिंग पेज पे आ गए और यहाँ का डेटा क्लियर हो गया अब यहाँ पे क्या करना है जैसे ये होम पेज इजीली दिख जा रहा है बट यहाँ पे क्या करना है जो ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं बस उसे दिखे तो उसके लिए होम पेज के राउट को प्रोटेक्टेड पो राउट करेंगे तो प्रोटेक्टेड राउट बनाते हैं तो 15 स्टेप में प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे होम पेज को प्रोटेक्ट करेंगे तो एक एक प्रोटेक्टेड फोल्डर को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एस आर सी में जाएंगे और यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट करेंगे प्रोटेक्टेड राउट डॉट जे एस एक्स को बनाएंगे तो यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं ये बन गया अब इसके अंदर कोड लिखेंगे एक फंक्शन बनाएंगे प्रोटेक्टेड राउट यहाँ पे प्रॉप्स लेंगे यहाँ पे यूजर को लेंगे और जब भी यूजर आ जाए तो चिल्ड्रन को दिखाओ जैसे होम पेज को दिखाओ और एल्स में जब भी यूजर ना आए तो लॉगिंग पेज को दिखा दो तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं जैसे कॉन्स्ट कॉन्स्ट प्रोटेक्टेड राउट इक्वल टू ये हो अब इसके अंदर लोकल स्टोरेज से यूज़र का डेटा लेंगे तो यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र गेट आइटम लेंगे और इसके अंदर लोकल स्टोरेज का नाम देंगे जो जो लॉगिंग पेज पे लोकल स्टोरेज का जो नाम दिए हैं वो यहाँ पे देंगे यहाँ पे यूजर का डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है उसको स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट पार्स का यूज करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे यूज करेंगे जेसन डॉट पार्स और उसके अंदर ये लोकल स्टोरेज को दे देंगे अब यहाँ पे स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे प्रॉप्स लेंगे चिल्ड्रेन और यहाँ पे एक कंडीशन बनाएंगे इफ़ यूज़र जब यूज़र आएगा तो यहाँ पे रिटर्न कर दो चिल्ड्रेन को ये चिल्ड्रेन होम पेज रहेगा और एल्स पार्ट में रिटर्न कर दो यहाँ पे नेविगेट का यूज करेंगे नेविगेट ये राउटर डोम से आएगा यहाँ पे टू लगाएंगे और टू के अंदर पाथ देंगे लॉगिंग जब यूजर आएगा ये चिल्ड्रेन को पास करो जैसे होम पेज या जो भी पेज है वो दिखेगा और एल्स पार्ट में जब यूजर नहीं है तो नेविगेट कर दो लॉगिंग पेज पे और ये प्रोटेक्टेड राउट को अदर फाइल में यूज करना है तो इसे एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे एप डॉट जे में यूज करते हैं होम पेज को प्रोटेक्टेड राउट से रैप करते हैं प्रोटेक्टेड राउट के अंदर होम पेज को दे देंगे ये हो जाएगा अब इसे ब्राउज़र पे देखते हैं ये आपका लॉगिंग पेज है और मैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं हूँ होम पेज देखना चाहता हूँ तो मैं नहीं देख सकता तो ये देखिए ये लॉगिंग पेज पे ही दिख रहा है अब जब यहाँ पे लॉगिंग करूँगा तो देख सकता हूँ अब यहाँ पे लॉगिंग करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड दूँगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और लॉग इन करता हूँ साइन इन सक्सेसफुल और ये देखिए अब होम पेज दिख गया, और लॉग आउट करूँगा और होम पेज देखना चाहता हूँ तो नहीं देख सकता तो ये आपका प्रोटेक्टेड राउट ऐसे वर्क करता है सिक्सटीन स्टेप में होम पेज को डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे एक कंपोनेंट्स बनाएंगे कार्ड डॉट का कंपोनेंट्स में एक कार्ड बनाते हैं और इसके अंदर कार्ड डॉट बनाएंगे और कार्ड डॉट को होम पेज पे इसे इंपोर्ट करेंगे होम पेज के अंदर कार्ड कंपोनेंट को लेंगे ये टॉप पे इंपोर्ट हो गया यहाँ पे कार्ड को क्रिएट करेंगे तो इसको कॉपी करते हैं और कार्ड पे जाएंगे और इसे रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये कार्ड दिखेगा तो लॉग इन करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इन करते साइन इन सक्सेसफुल तो ये कुछ इस तरह से कार्ड दिख रहा है अब हमें यहाँ पे ए से डेटा को दिखाएंगे सेवेंटीन स्टेप में दो यूज स्टेट को क्रिएट करेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के अंदर ए को कॉल करेंगे ए को कॉल करके डेटा को फैच करेंगे तो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे यूज स्टेट को डिफाइन कर देंगे तो ये टॉप पे इंपोर्ट हो गया ये प्रोडक्ट का यूज स्टेट है और एक लोडिंग का है और एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे गेट प्रोडक्ट का तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो गेट प्रोडक्ट का किए हैं इस फंक्शन को एसिंग करेंगे और यहाँ पे ट्राई कैच का यूज करेंगे और एक वेरिएबल लेंगे रेस और इसे अवेट करेंगे और फैच मेथड के हेल्प से ए को फैच करेंगे तो एक फेक स्टोर ए पी आई डॉट कॉम के एक फेक ए पी आई यू मिलता है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका यूज़ किया गया है और यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल बनाएंगे और अवेट करेंगे रेस डॉट जे ये जो भी यू का डेटा रेस में स्टोर होगा उसको यहाँ पे जे में कन्वर्ट किया गया है और ये जे का डेटा डेटा में स्टोर होगा और ये प्रोडक्ट एस्टेट के अंदर सेट प्रोडक्ट के हेल्प से डेटा को स्टोर किया गया है इस एरे के अंदर ये डेटा स्टोर हो गया और इस प्रोडक्ट को आप इजीली मैप कर सकते हैं कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग एरर लगाया गया है ये डेटा फेच होने में कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे कैच के अंदर कंसोल डॉट लॉग एरर दिखेगा जब भी फेच होने में टाइम लगेगा तो यहाँ पे सेट लोडिंग ट्रू करेंगे जब डेटा फेच हो जाएगा तो यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स करेंगे और एरर में भी इसे फॉल्स करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा गेट प्रोडक्ट फंक्शन को यूज इफेक्ट में कॉल करेंगे ताकि डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो सके तो यहाँ पे गेट प्रोडक्ट लेंगे और यहाँ पे गेट प्रोडक्ट को कॉल कर दिया गया और यूज इफेक्ट को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट हो गया इस प्रोडक्ट को मैप करेंगे वो तो मैप करने के लिए इसको कॉपी कर लेंगे ये कार्ड को और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट लेंगे और डॉट मैप लेंगे मैप के अंदर आइटम रहेगा और एक इंडेक्स रहेगा और रिटर्न कर देंगे इसको तो ब्राउज़र पे देखते हैं तो ये देखिए ये डेटा दिखने लगा अब यहाँ पे जो भी इमेज है वो दे देते हैं यहाँ पे जो डमी इमेज है उसके अंदर रियल इमेज को देते हैं कंसोल करेंगे प्रोडक्ट को और यहाँ पे कंसोल पे देखते हैं ये डेटा तो यहाँ पे ये यह डेटा दिख रहा है तो यहाँ से डी स्ट्रक्चर करेंगे कौस्ट आइटम से यहाँ से डी स्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पे डेटा आइटम से डी स्ट्रक्चर कर लिया गया जैसे यहाँ पे कंसोल पे दिख रहा है कैटेगरी डिस्क्रिप्शन आईडी इमेज प्राइस और यहाँ पे इमेज दे देते हैं इमेज और यहाँ पे टाइटल देते हैं टाइटल यहाँ पे प्राइस देंगे तो प्राइस देते हैं यहाँ पे कैटेगरी देंगे यहाँ पे रेटिंग का देते हैं तो यहाँ तो यहाँ पे रेटिंग का देंगे तो यहाँ पे रेटिंग है तो रेटिंग के अंदर काउंट है और रेट है तो यहाँ पे रेटिंग देंगे और यहाँ पे डॉट रेट दे देंगे रेटिंग के अंदर रेट है तो जैसे यहाँ पे थ्री पॉइंट नाइन आउट ऑफ फाइव कुछ इस तरीके से दिखने लगा तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे हो गया तो जो भी डी स्ट्रक्चर किए आइटम्स वो दे दिए और यहाँ पे एक वार्निंग आएगा कि आप एक यूनिक की दें तो यहाँ पे की देंगे और यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे ये हो गया यहाँ पे डेटा दिख रहा है यहाँ पे लोडिंग का बनाएंगे तो ये लोडिंग वाला कॉपी करेंगे ये जो इमेज है और यहाँ से टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जब आपका लोडिंग रहेगा तो ये दिखाओ और नहीं तो ये प्रोडक्ट को दिखाओ तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा जैसे आपका लोडिंग है तो लोडिंग इमेज दिखाओ और जब लोडिंग ख़त्म हो जाए तो ये प्रोडक्ट का दिखा तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये लोडिंग दिखेगा और उसके बाद से डेटा दिखेगा तो ये हो गया तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो लॉगिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पे होम पेज को देखना चाहते हैं तो आप नहीं देख सकते जब ऑथेंटिकेटेड यूज़र रहेगा तो वही देख सकता है तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अब इसको फोन नंबर से ऑथेंटिकेट करेंगे गूगल प्रोवाइडर का यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसे करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में